ये आप देख सकते हैं शॉर्टेज जो है बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के, अभी तक 3 पेशेंट की डेथ हो चुकी है। कितनी डेथ हुई? 3। एस्कॉम्स बत्रा जम्मू, कल रात से वहां पर ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी थी। उस कमी को सुबह तक पूरा नहीं किया गया और सुबह जब एक समाज सेवक इश्तियाक अहमद वहां पहुंचे, वार्ड के अंदर से वो लाइव कर रहे थे और लाइव सिर्फ इस मकसद से कर रहे थे कि किसी तक ये वीडियो पहुंचे, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और प्रशासन हरकत में आए और एस्कॉम्स बत्रा जम्मू की ऑक्सीजन शॉर्टेज को एड्रेस करे। उस ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, यानी मैनिफोल्ड है उनके पास, उस मैनिफोल्ड की ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद जब बारी सिलेंडर्स पर आई तो वार्ड के अंदर जो दृश्य हैं वो दृश्य ऐसे हैं कि वो आपको भी विचलित कर सकते हैं। और उन दृश्यों को देखने के बाद उम्मीद ये कि सरकार जो दावे करती है वो दावे करना बंद करेगी और ग्राउंड पर काम करना शुरू करेगी। आपका आप पेशेंट ठीक है? पेशेंट आपके आपके पेशेंट की कैसे डेथ हुई? आपके पेशेंट की कैसे डेथ हुई? ये पेशेंट है, ये कोविड सेंटर है इनका, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई जो है खत्म हो चुकी है। अभी तक 3 पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ये देखिए रात को भी इनके 2-4 पेशेंट मर चुके हैं। इनके हॉस्पिटल का हाल है भाई। भैया आप अवेलेबल से हो? हाँ हाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो है जीरो है, खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन और पेशेंट तड़प तड़प के मर रहे हैं। आपका आ गया ऑक्सीजन सिलेंडर? हद है यार। इधर बताना यार, इधर सेंटर लाइन सुबह की बंद है, अभी भी दोबारा प्रॉब्लम आया इनका। कितनी बार हुआ है कल? सुबह से मतलब 2 बार हो गया, अभी सुबह एक बार और अभी एक बार। बाकी सिलेंडर प्लीज शेयर करें इसे, बत्रा हॉस्पिटल की बात है ये। बत्रा हॉस्पिटल सिद्रा एक ही सुबह 6:30 बजे डेथ हुई है। प्लीज शेयर कीजिए इसे। कहाँ है पेशेंट आपका? मेरे पेशेंट स्टेबल है लेकिन बाकी जो है उनको क्रिटिकल है। देखिए पेशेंट्स की हालत देखिए आप, सुबह से 3 पेशेंट मर चुके हैं। ये जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एस्कॉम बत्रा, ये हालत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। हमारे पेशेंट्स मर रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है यहाँ पर। ये देखिए हर एक वार्ड में कोविड वार्ड है बत्रा हॉस्पिटल्स के। शेयर करिए। हाँ यार इतना बड़ा हॉस्पिटल है यार, क्या है पेशेंट की हालत यहाँ पे? पेशेंट ठीक है? अभी नहीं हुआ। भास्कर अभी था वो, भास्कर देखिए हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, शेयर कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाइए आप प्लीज। क्या हुआ भैया? इनके पास सिलेंडर ही नहीं है, पेशेंट ऐसे मर रहे हैं। कितने मरे अभी तक? 2 पेशेंट मर गए हैं। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बत्रा का, एस्कॉम बत्रा, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है।
ये देखिए पेशेंट्स की हालत देखिए, ऑक्सीजन फिट करने वाला भी नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन फिट करने वाला भी नहीं है। रुक जा बोल, ये डेथ हो चुकी है, ये पेशेंट की डेथ हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी से। आइए आइए सर, आइए प्लीज। सर कब तक ऑक्सीजन आएगी? हेलो डॉक्टर, डॉक्टर शेयर कीजिए। क्या प्रॉब्लम है जी? सेंट्रल लाइन ही फेल है, सेंट्रल लाइन टोटल कंप्लीट ही बंद हो गई। सेंट्रल लाइन टू टोटल खत्म है, चल ही नहीं रहा। आपका पेशेंट किस रहा? हां ठीक है। कैसा है पेशेंट अभी आपका? ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हो ना? है ही शेयर कीजिए। ये हमारे कितने 90,000 रुपये एडवांस दिया हुआ। ओके, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, तीसरी बार हुआ फ्लक्चुएशन। अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, तमाम मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इसके मालिक को बदला को अंदर किया जाए, और CMO को अंदर किया जाए, प्रिंसिपल को अंदर किया जाए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, मीडिया से दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर ऐसा ही रहा, सुबह 2 पेशेंट मर चुके हैं, एक का नाम था हैदर, एक का नाम मुझे पता नहीं है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पेशेंट्स को बचाने की, बट ड्यू टू सेंट्रल शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ का जो सेंट्रल ऑक्सीजन जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है। ये देखिए अटेंडेंट खुद, ये देखिए हालत देखिए। हालत देखिए भाई, रिकॉर्ड है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए हालत देखिए भाई, हालत देखिए भाई, हालत देखिए। सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सर वहाँ पेशेंट है आपका, क्या प्रॉब्लम हुई? क्या प्रॉब्लम हुई? खत्म हो गया। कितनी बार हुई सुबह से? देखिए एक और पेशेंट, शेयर करें भाई, शेयर करें। डॉक्टर अपनी तरफ से आपका, आप पेशेंट ठीक है, पेशेंट आपके डेथ हो चुकी है। एक और पेशेंट की डेथ, दीदी थोड़ा बताइए। कितनी डेथें हुई? 3। SCOM बत्रा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन अभी तक 4 बंदों की डेथ हो चुकी है। आपके पेशेंट की कैसे डेथ हुई? आपके पेशेंट की कैसे डेथ हुई? ये पेशेंट है कितने पैसे लिए इन्होंने? मुझे बिल नहीं पता, तो लाखों में बिल लिया भाई। कितने भाई बताइए? 50,000 जमा करवाए हुए हैं तो बाकी अभी। आपने SCOM बत्रा जम्मू के दृश्य देखे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी पेशेंट का लोड बढ़ रहा है। तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल में जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है उसे ऑक्सीजन सप्लाई की ज़बरदस्त ज़रूरत है। क्या मंडे को अगर ये लॉकडाउन खोला जाता है
और इन्फेक्शन बढ़ता है जो ऑलरेडी समाज के अलग अलग हिस्सों में जा चुका है, क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के वो एडवाइज़र जिन्होंने छाती ठोक कर यह कहा था कि हमारे पास सब कुछ है, क्या वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज को पूरा कर पाएंगे? बत्रा जैसे दृश्य किसी और अस्पताल में अगर देखने को मिले तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? और जो आज बत्रा में हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हमने बत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन से जब ये पूछा कि आप ये बताइए कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हुई, उन्होंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, यानी सरकारी अस्पतालों को सप्लाई जा रही है, और ये जानते हुए कि सरकारी अस्पतालों की सप्लाई जो है डिमांड उनकी बढ़ रही है, उसको देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी जो है लोग महसूस करना शुरू हो गए हैं। ये क्या तमाशा है? जान बचाना ज़रूरी है और जान बचाने के लिए इस समय ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय पीठ थपथपाने के और रात को 9:35 के पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, अच्छा होता अब ग्राउंड पर काम करें, लोगों की जान बचाएं, ऑक्सीजन और बाकी दवाइयां जो लोगों को चाहिए वो उनको पहुंचाएं। दावे करना, अपनी पीठ थपथपाना, इसके लिए बहुत वक्त है। वो जिस समय वो वक्त आएगा आप करिएगा, आप झंडे भी लगाइएगा, अब अपनी तारीफ भी करिएगा और आप हमें भी बुलाइएगा, हम भी आपकी तारीफ में गाना गाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस समय लोगों को, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बत्रा हो या कोई भी और प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि परिजनों को ये सब कुछ करने की ज़रूरत न पड़े जो बत्रा हॉस्पिटल के बाहर के दृश्य बताते हैं। रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए जो बच्चियाँ वो किराहें उनकी, क्या आपके कानों में वो नहीं जा रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये दावे करने का वक्त नहीं, काम करने का वक्त है?